Hello dear students, how are you? I hope that you all have been working hard with your studies. And today in this video, we are going to know about the rules of future perfect tense, the sentences of future perfect tense to change into passive voice or passive form. And this is the very important part of transformation. वाक्य परिवर्तन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट फेज है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव. जिस तरह से हम एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, इसी तरह से इन्हीं रूल्स को रिवर्स करके हम दोबारा से पैसिव फॉर्म के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में भी चेंज करेंगे और कर सकते हैं. ठीक है, आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स हम इस वीडियो में सीखेंगे. इसका रूल देखिएगा, ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये टेंसेस का लास्ट पार्ट है, मैं चाहता हूँ आप लोग उसको पूरी तरह से रूल को खुद सीखें, खुद लिखें. तो सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट. सभी हम चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करें और आज फ्यूचर परफेक्ट पर आ गए हैं, ये टेंसेस का लास्ट पार्ट है. इसके बाद एक इंपेरेटिव का और हम वीडियो देंगे नेक्स्ट टाइम. सबसे पहले क्या था, तो ऑब्जेक्ट कॉमन है. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर, इधर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. सो इन एवरी पैसिव फॉर्म देयर इज द बिगिनिंग विद द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आ गया. अब फ्यूचर से पता लगेगा हमें, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको फ्यूचर बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल एंड शैल. परफेक्ट बताएगा हमें कि यहां पर क्या होगा, हैव. बिकॉज हम वॉइस कर रहे हैं, वॉइस से पता लगेगा कि यहां पे इसके साथ होगा बीन, अदरवाइज बाकी कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस इज कॉमन इन एवरी पैसिव फॉर्म. ठीक है, तो रूल्स खुद सीखिए, रटिए मत, इसे खुद प्रिपेयर करिए. तो ऑब्जेक्ट हमेशा आता था और बी3 वाई सब्जेक्ट. And this is the common part. This is also the common part in every passive form. तो जो भी changes आते थे, will shall आया future से, have आया perfect से, और been आया passive. Voice कर रहे हैं passive. ठीक है, okay. अब एक example को उठाते हैं. I shall have eaten food. So, I subject, eaten verb, food object. So, हमारा passive क्या होगा? Food will. ये तो बताने की जरूरत है नहीं. I और we के साथ ही shall का use करते हैं हम. तो food will have been eaten by me. आपने ध्यान दिया होगा, केवल एक चीज हमने अपने पास से लगाई है, that is been. Food यहां भी था, eaten यहां भी था, have यहीं से उठाया है. By हरे हमेशा हम लगाते ही हैं commonly हर passive form में, और I को चूंकि last में लाए हैं तो ये subjective था, तो उसकी जगह ऑब्जेक्टिव हमें प्रोनाउन चाहिए था, तो हम मी लगा दिया आई की जगह. ऐसे ही जब नेगेटिव का रूल लिखेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, देन विल, शैल, नॉट, हैव, बीन, V3, बाय, सब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. एग्जांपल लीजिए, I shall not have eaten food. In which I subject है, eaten verb है, and food object. ठीक है, I shall not have eaten food. मैं खाना नहीं खा चुका होऊंगा या होऊंगा. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे,
सबसे पहले आएगा फूड, देन विल, ये सब ऐसे उदाहरण है, नॉट, हैव, बीन, ईटन बाय, यहीं पे लिख सकते हैं, बहुत जगह है मी. सो फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी. चलिए मैं और सही से क्लियर कर दूं इसे. लास्ट टाइप है ये, तो कुछ अपने पास से स्पेशल. अगर आप गौर से देखिए इस एग्जांपल को, गौर से देखिए इस एग्जांपल को, केवल दो चीज़ें लगाई और ये पैसिव हो गया. बाई लगाने से पैसिव हुआ और बीन लगाने से परफेक्ट हुआ. सो परफेक्ट टेंस का टाइप है, बीन से हो गया. बाई पैसिव है, सेंटेंस का टाइप है कि ये एक्टिव है या पैसिव. बाई से हो गया. फ्यूचर है, ये पहले ही पता लग गया विल से, ठीक है. तो केवल एक बीन लगाने से ही परफेक्ट टेंस को हम पैसिव में कर. आइए इंटरोगेटिव के बारे में समझें. मैंने जानबूझ के इसे नहीं मिटाया. इंटरोगेटिव के रूल में क्या फर्क आएगा, विल एंड शैल ये पहले आ गए और ऑब्जेक्ट आया यहां पर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव. एग्जाम्पल देखते हैं. आईश शैल आई है Eaten food. क्या मैं खाना खा चुका हूँगा या चुकूंगा भी हो सकता है. तो पैसिव का क्या करना है, I subject, eaten, verb, food, object, ये question बनाता है. हेल्प, तो food आएगा पहले, इसलिए हम will का use करें. Will food have, will food have been, ये सब वही कहानी, have been eaten by me question mark. एक बार फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर been अपने पास से यूज किया है, by अपने पास से यूज किया, अदरवाइज बाकी सारी कहानी वही है.